वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम अजय सर. गुड इवनिंग मैम. तो आपको आपने AKPIS से कोर्स किया है क्विक बुक का, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपका पेपर क्लियर हुआ क्विक बुक का. कुछ बोलना चाहेंगे, आपको कैसा फील हो रहा है पेपर क्रैक करके क्विक बुक का? थैंक यू मैम. पेपर क्रैक करके बहुत खुश हो रहा हूँ मैं आज, जबकि मुझे ये क्रैक करने में थोड़ा टाइम भी लग रहा था. इनफैक्ट जब अभी मैम पढ़ा ही रहा है ना, लेकिन मैं भी स्टार्टिंग से ही देख मैम का ग्रुप सब ज्वाइन किया, तभी से मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ. पढ़ते पढ़ते अभी लास्ट लास्ट में आ गया है मैम भी पढ़ा के. लेकिन मैं मैम से वो जो नोट्स था, मैम ने जो MCQ करवाए हुए थे, वो सारे मैंने किए. मैम को फिर मैम से सजेशन भी लिए कि मैम ये मैं कर चुका हूँ, मैं क्या एग्ज़ाम दे सकता हूँ. मैम ने मुझे गाइड भी किया कि हाँ ठीक है बेटा, आप चेक दे सकते हो क्या होता है, देखिए. फिर मैंने किया और फिर मैं क्रैक कर चुका एग्जाम को मैं, और फिर मैं बहुत हैप्पी हूँ कल से. बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप खुश हैं, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके एग्जाम क्लियर होने पे. तो मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस लाइक आपसे पूछना चाहती हूँ. जो इस कोर्स में आपको बेसिक लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए थे अमन मैम और शमी सर की तरफ से, उन्होंने आपको कैसे हेल्प किया इस चीज में? हाँ जी मैम, वो मैम ने बताया गया था कि बेसिक को कैसे कंसेप्ट क्लियर करते हैं और कैसे पढ़ना है. वो मैम ने हमें गाइड भी किया गया था कि कितना कितना कहाँ कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चन में आता है, वो सब हमने पढ़ते गए और पढ़ के फिर क्वेश्चन को दिया तो क्रैक हो गया मेरा. वेरी नाइस. और जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, MCQs की प्रिपरेशन करवाई गई थी उन्होंने, जब एग्जाम के टाइम पे MCQs आए थे तो उनमें से आपने ऑब्वियसली बहुत प्रैक्टिस की होगी और सर मैम ने भी बहुत कराई होगी आपको, तो उसने आपको कैसे हेल्प किया आपने थ्रू आउट पूरे क्विक बुक का कोर्स और फिर एग्जाम क्लियर आउट करने में? ऐसा जब मैं MCQ करवाया गया था उस पर, जब हमारे क्लास होते थे तो वहाँ पे भी करवाया गया मैम ने, और फिर मैं खुद से भी यहाँ पे ट्राई करता था. जब लेक्चर हो जाता था फिर से दोबारा देख के और फिर से मैं अपने ट्राई करता था. वहाँ पे जो स्कोर दिखाता था फिर मैं वो मैम को भी सेंड करते थे और मैम देख कर मुझे रिप्लाई भी करते थे, किटअप बोल के जैसे होता है, अप्रिशिएट करता था मुझे. और फिर लास्ट में मेरा जो जब 98% जब क्वेश्चन आ गया था मार्क्स मेरा, तब फिर 82-83 जब आ गया था तो मैम ने बोला कि आप दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो. ओके दैट्स ग्रेट. अब मैम के बारे में कुछ और बोलना चाहेंगे, शमी सर के बारे में? अमन मैम ने बहुत हेल्प करी होगी आपको थ्रू आउट द कोर्स, कैसा रहा उनके साथ आपका पर्सनल कांटेक्ट? बहुत हेल्पफुल मैम है और सर भी बहुत हेल्पफुल है. जब भी कोई इशू आता है तो फिर मैम से मैं जब भी मैं पढ़ता हूँ रहता हूँ तो मैं जो कोई इशू आता है मैं मैम को सेंड करता हूँ. फिर मैम जब उसे टाइम मिलता है तो फिर मुझे उसी दिन या उसके अगले दिन मुझे रिप्लाई दे देते हैं और वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है मेरा, जो भी डाउट होता है फिर एक बार देखने के बाद वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है और अच्छे से कर पाते हैं क्वेश्चन. That's great. कुछ डिफरेंस लगा, जैसे पहले भी आपने शायद AKPIS ज्वाइन करने से पहले सोचा होगा कि क्विक बुक का कोर्स करें और यहाँ आने के बाद चीजें इजी लगी, आपको कैसा फील हुआ AKPIS इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद? नहीं, जब भी कोई इशू आता था कोई भी रिलेटेड, जैसे कि अब कोर्स के रिलेटेड ही हो गया, मैंने EA कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है तो मैं उसका भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ. और फिर मैं बाद में जब क्विक बुक का लिया तो उसके लिए भी जब मैं यहाँ से कुछ भी इंक्वायरी डालता था तो उधर से रिप्लाई आ जाता था कोई ना कोई कि आपको क्या इशू हो गया है, क्या आपको क्या बात है करने की, कि क्या इशू है वो उसके रिगार्डिंग हम सोल्व करेंगे बोल के बताया गया था. और फिर जो आगे का प्रोसेस होता था हमें क्लियर करके, ऐसा ऐसा होगा, इतना ये है, इसका ये प्रोसेस है, ये सब बताकर फिर मुझे इनरोल करवाएगा था. जब मैं उसे हाँ ठीक है अब मैं मुझे इनरोल करना है ऐसे बोलता था, फिर मुझे इनरोल करवाता. ओके और बाकी की टीम आपको कैसा लगा, कैसा नेचर लगा आपको मैम सर का, बाकी की टीम जो आपके साथ कांटेक्ट में रहे? ऑसम है, सभी टीम ऑसम है, सब हेल्पफुल है, किसी का कोई शिकायत नहीं कि ये नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं. जब कोई भी अगर नहीं रिप्लाई कर पाते तो फिर मैं दूसरा अगर कोई इंक्वायरी रेज करता हूँ तो जस्ट उसके 10 मिनट या 15 मिनट में वो रिप्लाई आ जाता है कि क्या इशू है आपका और उसे सोल्व करते हैं. ओके ओके अजय सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला.
थैंक और यू ये मैं भी एंड बता सकता हूँ, मैं एक्चुअली मैं नेपाल से हूँ, तो यहाँ से कोई कुक का कोर्स भी नहीं पढ़ाता है, वैसे ज्यादा नहीं पढ़ाता है, तो मैं वहाँ पे पढ़ के मैं बहुत हैप्पी हूँ वहाँ से पढ़ाई करके। थैंक यू सो मच अजय सर, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द क्लियरेंस ऑफ योर पेपर। होप आपको थैंक यू फिर मैम। मिलेंगे हम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।